दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल खेती का डॉक्टर विद रवि त्रिपाठी में। और सरसों की फसल के अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज हम पछेती सरसों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पछेती सरसों में इस समय जो बारिश हो रही है, इस बारिश होने से कई प्रकार के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है और कैसे अपनी फसल को बचाना है, बचा करके पैदावार को बढ़ाना है, तो इसके लिए हमने अपने वैज्ञानिकों से और अपने सीनियर से बात की। उस बात करने के रिजल्ट जो सामने आए हैं वो मैं आज आपको तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि अगर आपकी फसल पछेती सरसों है और उसमें पछेती सरसों में देखिए आप रोग लगने की संभावनाएँ बढ़ गई हैं। जैसे पत्ती सिकुड़न का रोग लगा हुआ है, अभी इसके बाद इसमें फंगस की बीमारी भी लगनी शुरू हो जाएगी, इसके बाद इसमें हो सकता माहों का भी प्रकोप आ जाए। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप लोगों को करना ये है कि 2 किलो मैनकोजैब लेकर के 1000 लीटर पानी में घोलें और 1 हेक्टेयर में इसका छिड़काव करें, जिससे कि समस्या से निदान मिलेगा। और दूसरा, आप फंगीसाइड का इस फसल में स्प्रे करते हैं तो इससे क्या है, गला रोग नहीं लगेगा। और फंगीसाइड अगर उपयोग करेंगे, इंसेक्टीसाइड उपयोग करेंगे, तो इसमें माहों का भी प्रकोप नहीं होगा, जिससे कि आप अपनी फसल को बहुत सुंदर बना सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं। आइए हम मुकेश जी से दोबारा फिर मिल रहे हैं। मुकेश जी बताएंगे क्या ये चीज़ें करने से हमें लाभ मिलेगा। जी मुकेश जी, हाँ, इससे लाभ मिलेगा जो ये सब चीज़ें करेंगे अगर हम? हाँ मिलेगा भाई, जब हमें मिल रहा है तो इसी से पिछले वाली में करेंगे हम। अच्छा, अगली वाली में आपने जो किया हुआ है उसमें लाभ दिख रहा है? उसमें खूब दिख रहा है। अब अच्छा, पछेती में अगर करेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा? मिलेगा जरूर। तो गाइस, आपने मुकेश जी को सुना और सुनने के बाद आप हमारे प्रोडक्टों को हमसे ले सकते हैं या बाज़ार से ले सकते हैं, आप किसी से भी मंगा सकते हैं और इनका उपयोग करें। चीज़ बढ़िया मिले, लेकिन चीज़ आपको अच्छी मिलनी चाहिए, मैनकोजैब ओरिजिनल होनी चाहिए, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। फंगीसाइड ओरिजिनल होना चाहिए, उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे सारी बीमारियों से बचा सकता है और इस प्रकार के रोग से बचा जा सकता है जो आप अभी इस पूरे खेत में देख रहे हैं। इस रोग को बचाने के लिए पत्ता सकुड़ रहा है, इसमें पत्ता सकुड़ रहा है जो मुकेश जी का कहना है, तो इसको दूर करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करना पड़ेगा और फंगीसाइड का उपयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।